मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बाय दुर्गेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 5 जनवरी से आपकी लोअर पीसीएस की पूरी बैच प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, यह बैच मैंने प्रारंभ कर दी है और मैंने ज्योग्राफी की वीडियो डाल दी है। तो मैंने जो पहला चैप्टर लिया, जो मैंने शुरुआत किया, वैसे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए कई चीज़ें थी, लेकिन मैंने जब पिछले वर्ष के पेपरों का अध्ययन किया तो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से मुझे ये लगा कि मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी गहराई में न जाकर ऊपर से ही मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पहले मैंने पढ़ाया पृथ्वी की वार्षिक गतियाँ, उसके बाद जो मुझे पढ़ाना था, क्योंकि मैं इसके पहले ही आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ा चुका हूँ, अब मैं इसकी जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसकी प्लेलिस्ट में मैं ये डाल दूंगा कि जो भूगोल में कहाँ कहाँ अक्षांश रेखाएं हैं, कहाँ कहाँ देशांतर रेखाएं हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हुआ चलूंगा। तो वो देखने के बाद तब अगर आप ये देखेंगे कि पृथ्वी की गतियां, तो शायद आपको समझ में आ जाएगी। तो इसके पहले जो मैंने बताया था पृथ्वी की वार्षिक गति, दैनिक गति, उपसौर, अपसौर, इन सभी को बताने के बाद अब अक्षांश देशांतर रेखा हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आगे पढ़ना था वह था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी अंदर कैसी है। तो मैंने मुझे वो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मानव तो अंतरिक्ष में जा चुका है, मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है, जैसा कि अपना मंगलयान, अन्य ग्रहों पे भी हमारे उपग्रह हमारे नासा के या इसरो द्वारा या अन्य देश के द्वारा भेजे जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन मानव अभी पृथ्वी की गहराई में नहीं गया है। और हम ये जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जो जो बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में, तापमान कम होता जाता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। इसलिए आज तक पृथ्वी की गहराई में जाकर हम आप पृथ्वी की गहराई में जाकर हम सब आज तक यह नहीं जान पाए कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो इसके दो स्रोत होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, क्योंकि जब हम पृथ्वी की गहराई तक नहीं पहुंचे हैं तो कैसे उसकी विवेचना कर दे। लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो उसमें दो स्रोत बांट देंगे, दोनों स्रोत हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से कैसे और क्यों, लेकिन मैं भी उसकी रूपरेखा आपको बता दे रहा हूं, एक तरह से उसका परिचय करा दे रहा हूं। हम जानते हैं पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू प्रति घन सेमी है, जबकि पृथ्वी की जो क्रस्ट का घनत्व है जिसपे हम आप निवास करते हैं उसका घनत्व 2.54 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। तो इससे यह बात स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का अंदर कोई ऐसा भाग है जिसका घनत्व 5.5 से भी ज्यादा है, अर्थात पृथ्वी की गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी में कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसमें से जो लावा निकलता है, उत्तप्त लावा, उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ज्यादातर 3000 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इससे यह बात स्पष्ट होती है पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा भाग है जहां पर इतनी ज्यादा टेम्परेचर में यह लावा बना हुआ है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाने पे तापमान बढ़ते हैं। उसके कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी मिले हैं। जब हम खदानों से कोयला निकालते हैं या खदानों से खुदाई करते हैं या ड्रिल मशीन से, भी कुछ दिन पहले प्रशांत महासागर में ड्रिल किया गया था, तो गहराई में जाने पर हमें यह ज्ञात हुआ कि ज्यों ज्यों गहराई की तरफ बढ़ते हैं त्यों तो तापमान में वृद्धि होती है, किंतु इसके अलग अलग दर है, इसके अलग अलग मानक है। वो दर और वो मानक मैं आपको पूरी तरह से समझा के बताते हुए लिखवाता चलूंगा, क्योंकि ये ऑप्शनल ज्योग्राफी क्लास नहीं है, ये जनरल स्टडी की क्लास है। इसलिए हम आप सभी साथियों को वही चीज पढ़ाएंगे जो परीक्षा के जीएस के लिए महत्वपूर्ण, इसके बाद जब मेंस की या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो इसी भूगोल को हम बड़े रूप में या तोड़ते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप सभी साथियों को मैं एक आपसे सलाह चाहता हूं कि मैं जब ज्योग्राफी दो तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, पहला मैं ये सोचता हूं पहले आके मैं जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसे पूरी तरह से समझा दूं, समझाने के बाद जो नोट्स लिखवाने की बारी आई लास्ट में आपको नोट्स पढ़ के बोल दूं और आप उसे साथ में लिख लें। इससे दो फायदे होंगे, पहला आप एक बार उस चीजों को सुन लेंगे देख के, और दोबारा जब साथ में लिखना शुरू करेंगे वह चीजें लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलेंगे। जैसे मूवी, अगर 3 घंटे की आप उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ने के बाद जब आते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या 3 घंटे मैंने पढ़ा, लेकिन वही 3 घंटे की मूवी देख के आके हूबहू पूरी कहानी आप कुछ त्रुटियों के साथ बता देते हैं। तो हमारा जो दिमाग होता है वह चलचित्र को जल्दी से याद करता है। इसलिए हम आप
अगर आप ये राय दीजिएगा, क्या मैं केवल समझाते हुए चलूं? आप दो काम करेगा, एक समझाते हुए जब मैं पढ़ाता रहूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलेगा, बाद में जब मैं बोलकर नोट्स की तरह लिखवाऊंगा तो साथ में आप उसे नोट करते चलेंगे, तो एक आपका बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा। अब बाकी आप ये बताइएगा, क्योंकि समझाते समय मैं काफ़ी चीज़ें समझा दूंगा और लिखवाते समय केवल केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही मैं लिखवाऊंगा या आपको समझाऊंगा। और यह क्लासेज अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं हमारे टीम के साथ तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, परीक्षा की तिथि सॉरी नहीं है लेकिन फॉर्म आवेदन होना शुरू हो गया, तो अभी आपको 3 से 4 महीने का समय मिल सकता है, आप जुड़कर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और सभी विषयों की डेमो क्लासेस चालू है और 5 तारीख के बाद सभी एक एक करके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सभी साथी पूरी मनोयोग के साथ पढ़ते रहिए और सफलता जरूर आपके सामने आएगी। हाँ, आपको यदि कोई सुझाव देना है या कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक अधिकारी की तरह आप अपनी समस्याओं को या जो मुझे सुझाव देना चाहते हैं, जो मैं आप चाहते हैं मैं जिस चीज को सुधार कर लूं या जो मुझ में कमियां हो, आप उसे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका पूरा स्वागत करूंगा और मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को, तो उससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 6306344367 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर ने दिख रहा है 6306344367, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो इससे जो मैं आपको बताया, मेरा उद्देश्य यह था कि आप मुझे सुझाव दें, क्या इस तरह से पढ़ाना आपके लिए उचित है, पूरी एक बार समझा दी जाए, पुनः मैं नोट्स बनवाऊं और मैं वही चीजें पढ़ाऊं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अब मैं कल ये बता दूंगा आपको मेरे साथ पढ़ते समय किन किन किताबों को रखना होगा या कौन कौन सी किताबें आपको लेनी होंगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, हम आपके सुझाव की प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी परीक्षा के जो दिन होते हैं वो अभी आए तो नहीं है, लेकिन आने के बाद लगातार कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, लगातार कम होते जाएंगे, इसलिए आपका हर एक मिनट हर एक सेकेंड महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे का सदुपयोग करें और फिर पढ़ना शुरू कर दे। जय हिंद, जय भारत।